गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है और इनफैक्ट लेट हो गया आज तो। जनरली मैं जाती हूँ टाइम पे, पर आज तो 9 बजे उठी हूँ और रात को नींद बहुत लेट आई, तकरीबन 2:30 या 3 बज गए थे। तो सोचा कि सुबह आराम से उठते, अगर जल्दी उठेंगे तो फिर दिन भी ख़राब हो जाएगा, रात तो ख़राब ही हो गई थी। बस अभी सुबह बस उठे हैं और चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे और फ्रेश होंगे, फिर शेड्यूलिंग करते हैं कि आज दिन में क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। लेट उठने का ना अलग ही नुकसान है, हमें लेट होते आलस खत्म ही नहीं होता और अजीब सा दिन हो जाता है, लेकिन अब जो है सो है। उठते हैं, फ्रेश होते हैं और नई शुरुआत करते हैं। कुछ कुछ काम है सोचा है, वो सब करना है और उसके बाद चाय वाय बनाते हैं, नाश्ता वाश्ता करते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। चाय बनाएंगे हम, दूध ले आई हूँ और पैकेट मार लिया। मॉर्निंग टी, मॉर्निंग नहीं है वैसे तो, 9:30 होने वाले हैं, तो ठीक है, लेट उठने वालों की सुबह ही है। जो लोग लेट उठते होंगे वो समझ सकते हैं मेरी दिक्कत है। इंडक्शन पे चाय बनाओ फटाफट बन जाती है, मुझे ऐसा लगता है, गैस से जल्दी बनती है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या लगता है बताइएगा। एक्सरसाइज मुझे नहीं लगता आज सुबह हो पाएगी, कोशिश करूंगी हो भी जाए ना भी हो, ऐसा लग रहा है कि शायद नहीं हो पाएगी। क्या होगा, सफाई करनी है, घर की सेटिंग करनी है, झाड़ू पोछा करना है, पता नहीं झाड़ू तो करना है, पोछा करना है कि नहीं मालूम है, बहुत सारा कौन हो। लैपटॉप भी खराब हो गया है, लैपटॉप से बहुत सारे काम होते थे, लैपटॉप बिगड़ गया है, ठीक कराना है। और सबसे पहले चाय पीनी है, चाय पी बाकी सब काम बाकी। सुबह मॉर्निंग में अगर चाय ना मिले ना तो मॉर्निंग की शुरुआत ही नहीं होती, बिल्कुल नहीं। अदरक भी नहीं है मेरे पास, लाइफ खत्म हो गया है ही नहीं। कई बार मैं लेट उठती हूँ ना तो नाश्ता नहीं करती, अगर भूख ना लगे बहुत देर से तो। दो फायदे हैं, डाइटिंग भी हो जाती है और मेहनत भी बच जाती है, पता नहीं आज मालूम नहीं। अभी तो चाय पी रही हूँ तो कुछ पता नहीं है नाश्ता बनाऊंगी कि नहीं बनाऊंगी। चाय बन जाए फट से, चाय पी ले, मॉर्निंग की शुरुआत हो जाए अच्छे से, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। चाय मेरी बनकर रेडी हो गई है और हम अब चलेंगे चाय पीने। सुबह सुबह नज़ारा, बहुत धूप हो गई है बार बार मैं सुबह बोल रही हूँ, जो है सो है। चाय और मैं चाय के साथ कुछ खाऊंगी, पेन वगैरह समथिंग कुछ है डब्बे के अंदर, पेन 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 वगैरह खाऊंगी, ये खाती हूँ चाय के साथ। और
दिखाती हूँ, आप देखेंगे, कालस मत करना। हाँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दिखा पाऊँ। अभी सीख रहे हैं ना तो काफी रॉ है वीडियो, पर ठीक है जैसा भी है यार, दिल से बना रही हूँ। पसंद करना, बोर हो तो बताना कि बोर हो। अगर नाश्ता नहीं बनाते तो ये खाते भी कम चल जाता है, ये दिक्कत नहीं होती। मैं भी इंसान को कम खाना चाहिए, खाते ही मोटापा परेशान करने लगता है। मुझे तो बहुत जल्दी होता है, इतना कम करने में मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है और मुझे बढ़ाने में बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मैंने तीनों टाइम खाना भी अगर टाइम से रेगुलर खाने लगूँ तो मेरा वजन बढ़ने लगता है। तो ये मेरा बचपन से बहुत पतली, कभी नहीं भी ऐसे खाती पीती। तो चाय का मैं इंजॉय करती हूँ और उसके बाद आगे क्या करती हूँ हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले लंच का टाइम है और इस टाइम मुझे भी ज्यादा भूख नहीं लगी, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ जल्दी जल्दी दलिया बना लेती हूँ क्योंकि बहुत सारे काम थे। तो अभी फटाफट दलिया बनेगा, नमकीन दलिया, आलू, प्याज, हरी मिर्च, और फटाफट बन जाता है और टेस्टी भी होता है और हेल्दी भी होता है। तो दलिया खाएंगे, सबसे मुश्किल काम है ये प्याज काटना तो पड़ेगा, खाना है तो। दलिया मैंने भिगो के रख दिया है और बस ये प्याज कट जाएगा। गैस ऑन कर देती हूँ। दही और दलिया आज का लंच। ब्रेकफास्ट तो बताया ही था, चाय और चाय के साथ पेन, और लंच है दलिया। तो अभी तो सब ऐसा ही है। एक्चुअली हम ना कहीं बाहर जाते नहीं है तो फिजिकल एक्सरसाइज ही कुछ जितना कर पाते हैं उतना कर पाते हैं, और बहुत ज्यादा वर्कआउट नहीं करते। तो बहुत ज्यादा वर्कआउट जब आप नहीं करते ना तो बहुत भूख नहीं लगती। मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैं घर पे ही रहूं तो मुझे भूख कम लगती है। तो जब आपको भूख कम लगती है तो जरूरत नहीं है ज्यादा शरीर को पूछने की, क्योंकि अगर आप काम ज्यादा नहीं कर रहे हैं तो ज्यादा खाना आपको नहीं चाहिए, वरना वो फिर खाना इधर उधर निकलता है फैट के रूप में, फिर आपके वो चेहरे पे भी दिखाई देता है। इजी प्रोसेस। जनरली लंच में मैं दलिया नहीं खाती हूँ, लेकिन आज थोड़ी जल्दी है, थोड़ा सा कुछ काम है। इसलिए जल्दबाजी की है। आलू और प्याज को धो लेते हैं और फिर काम शुरू करेंगे। जा नहीं रही ना, फिर भी देखिए कैसे भागम भागे भाई जल्दी में। कुछ कुछ काम रहता है और बस
वही करने में दिन निकल जाता है, खाना भी ऐसे ही हो पाता है। जनरली मैं दोपहर में अच्छा पूरा खाना बनाती हूँ, मैं दिखाऊंगी किसी दिन। आज तो जो बना रही हूँ वो ईमानदारी से बता रही हूँ कि आज दलिया ही है। लंच के बाद देखते हैं, फिर उसके बाद का शेड्यूल उसके बाद ही पता चलेगा। एक्चुअली मुझे आज पार्लर भी जाना था, लेकिन पार्लर मुझे ऐसा लग रहा है कि बंद है। मेरे बालकनी से दिखता है पार्लर, बिल्कुल नीचे ही है, तो खुला है या बंद है वो मुझे मेरी बालकनी से पता चल जाता है। तो जिस दिन मैं सोचती हूँ ना कि आज मुझे पार्लर जाना है, उस दिन पार्लर पक्का बंद होता है। और एक दो दिन मेरे साथ ऐसा होता है और फिर जाकर वो हमारी सेटिंग बैठ पाती है पार्लर की और मेरी, कि मुझे जाना भी हो और पार्लर खुला भी हो। वरना जब खुला होता है तो मुझे कोई काम होता है, और जब मुझे जाना होता है तो पार्लर बंद होता है। ये कई बार हो गया ऐसा, तो जैसे कि अब मुझे आज जाना है तो पार्लर बंद, वेट कर रही हूँ कि अब तक लेट खुल जाए, क्योंकि पास में है तो किसी भी टाइम जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल नीचे ही है मेरा लंच तो बन गया। आपने क्या लंच में खाया जरूर बताइएगा, बन जाएगा तो फिर मिलते हैं। दलिया रेडी है, चम्मच ले लेते हैं हम, दही लेंगे और दलिया को दही के साथ खाएंगे। बहुत गर्म है, दिख रहा होगा, ये बड़ा सिंपल हेल्दी और क्विक रेसिपी है, फटाफट बन जाता है और हेल्दी भी बहुत होता है। तो चलिए मैं इसे खाती हूँ और खा के फिर मिलते हैं। नहाना हो चुका है, तैयार हो गई हूँ नहा के, और सॉरी लाइट ऑन फैन ऑन करूँ। और अभी टाइम तकरीबन 3:30 हो चुका है शाम के, और घर की सफाई की। और आज अच्छी बात ये हुई कि घर में कुछ गेस्ट आ गए थे, और एक्चुअली मेरी ऑनर की बहुएं हैं, भाभी हैं मेरी, तो अच्छी बॉन्डिंग है उनके साथ, तो वो लोग आ गई थी और उनसे काफ़ी दिन हो गए थे मुलाकात नहीं हुई थी, तो इसलिए फिर हम बातें करने लग गए, और बातें करते करते बातें बहुत लंबी हो गई, तो आज टाइम लग गया और थोड़ी लेट भी हो गई। मैं नहाई हूँ पर लेट नहाई हूँ, और सफाई वफाई की है, नहाया है और कुछ काम करना है। और एक वीडियो बनाया था मैंने अपने ही चैनल पर, क्वेश्चन आंसर्स वीडियो, बहुत सारे लोगों के कुछ क्वेरीज थी, कुछ सवाल थे, तो सोचा कि चलिए मैं पर्सनली सबको लिख कर जवाब तो नहीं दे पाती हूँ, तो सोचा कि क्यों ना हम इसका ये काम किया जाए कि लिख कर जवाब नहीं दे सकते तो बोल कर जवाब देते हैं। और मैंने सोचा कि जवाब दिया जाए, तो आपको जवाब दे रही हूँ, और इसका एक वीडियो आएगा, आप देख लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में सबको जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और यही है, नहाना धोना हो चुका है और अब चाय भी पी चुकी हूँ, शाम की चाय, बेबी बनाऊँ तो वीडियो बना लूँ, दूध नहीं है दूध लेकर आना है, तो दूध लेने जाऊँगी तो भी वीडियो बना लूँगी। और चलिए शाम हो गई है और मुझे भूख लग गई है, तो शाम की चाय का वक्त हो गया, तकरीबन 5 बज गए अभी, तो दूध लेके आई हूँ और ये बन ब्रेड लेके आई हूँ, तो पाव कह सकते हैं जो भी आप बोलते हो। तो अभी मैं चाय पीऊंगी और बन बटर और बन खाऊंगी, तवे पे हम बन को गर्म करेंगे और साइड में चाय बना देंगे। आज जैसे कि लंच में दलिया खाया था, तो दलिया खाने के बाद भूख लग जाती है जल्दी, डाइजेस्ट हो जाता है ना दलिया जल्दी से, तो इसलिए इधर हमारी चाय बनेगी, उधर हम बन सेक लेंगे। तो बन और चाय आज का हमारा ये इवनिंग नाश्ता है। डिनर का पता नहीं, करूंगी नहीं करूंगी, डिपेंड ऑन भूख और डिपेंड ऑन मूड, तो हो सकता है ये आखिरी भी हो और हो
सकता है कुछ रात को भूख लग जाए तो खा भी लूं, तो ये होगा मेरा करके। इसे आप काट लें आधा ऐसे, फिर आप डालें तवे पर बहुत सारा घी बटर जो भी आप खाते हैं, जो फेवरेट जो भी हो, मुझे ये बहुत पसंद है। तो देखो डाइटिंग वाइटिंग में करती हूँ, लेकिन मैं घी बटर ना खाने में कंज्यूस ही नहीं करती हूँ, मेरे से वो नहीं होता, मैं उस पे कंट्रोल नहीं करती, इसलिए फिर मैं खाने में कंट्रोल कर लेती हूँ। मैं खाना कम खा सकती हूँ, मगर मुझसे कोई कहेगा कि आप घी मत खाओ, पराठे वराठे मत खाओ, तो वो थोड़ा मुश्किल है। ऑयली बहुत नहीं खाती हूँ, पर मुझे देसी घी पसंद है, और देसी घी हेल्दी भी होता है, खाना भी चाहिए। ये हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, जरूर खाना चाहिए। घी में आज पे ये पकेगा, चीनी पत्ती डाल के चाय बना लेते हैं। तब तक ये चाय बन रही है और बन बन रहा है, तब तक हम लोग जैसे ये दोनों रेडी हो जाता है उसके बाद मिलती है। मेरी चाय बनकर रेडी है और ये मेरा नाश्ता है, और मैं भुजिया के साथ कुछ खाने मेरा ये कॉफी मुझे अच्छा लगता है। आप भी ट्राई करें, आपको अच्छा लगेगा। हम क्या करेंगे, बन में भुजिया मिक्स करेंगे, बीच में रखेंगे ऐसे दोनों, पाव भाजी कैसा लगता है, सॉस भी खा सकते हैं आप इसके साथ अगर आपको मन करेगा। भूख लगी हो, कुछ मन का मिल जाए, टेस्टी मिल जाए, मजा आ जाए, बहुत यम्मी है, क्रिस्पी है, क्रंची है और बड़ा मजेदार लगा। मैं इसे इंजॉय करती हूँ, ये मेरी इवनिंग की इवनिंग स्नैक्स, शायद डिनर नहीं होगा, अगर होगा तो दिखाऊंगी, नहीं हुआ तो फिर हम एंडिंग वीडियो शूट करेंगे। तो दोस्तों ये था मोटा मोटा मेरे पूरे दिन का शेड्यूल, और जो भी किया वो मैंने आप लोगों को दिखाया, और अब रात हो गई है, सोने का समय हो रहा है, तो नींद भी बहुत आ रही है। हाँ, तो मुझे लगता है इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते, नए दिन एक नया ब्लॉग, तो आज का दिन कुल मिलाकर अच्छा था, और होप कल का दिन भी अच्छा रहे। सो गुड नाइट करते हैं और ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड नाइट।